नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, बिग बॉस 13 में तो बहुत ही गर्मा गर्मी चल रही है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनकी बातें हम डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं और वो चीजें हमारे दिमाग में वो उठाती हैं बहुत सारे सवाल। और जैसे कि बिग बॉस के शो में कॉलर ऑफ द वीक आता है और बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो कॉलर आते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं घर वालों के आगे, तो हमने भी सोचा कि अगर हमारी आवाज बिग बॉस तक हमें पहुंचानी है तो हम भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक चांस रखेंगे, उनके लिए एक स्पेशल सेगमेंट शुरू करेंगे जिसमें हम लोग हर रोज उन कॉलर्स के कॉल्स जो है या फिर उनके वॉइस ओवर के थ्रू जो उनके सवाल हैं वो हम अपने वीडियो में शामिल करेंगे। तो आज कुछ कॉल्स या वॉइस ओवर के थ्रू जो कॉलर ऑफ द वीक के सवाल हैं वो हमें भेजे हैं कुछ लोगों ने, उनके सवाल मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। मगर उससे पहले आपको करना है एक काम, हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स करना है सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाना है ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं नए सेगमेंट की, यानी कि उन सवालों की जो आपके दिमाग में आते हैं और जिसके लिए आप तत्पर रहते हैं कि उनके बारे में बात हो, उनके बारे में डिस्कशन हो। तो पहला सवाल जो है वो मैं शामिल करने जा रही हूँ निहारिका जी का, जिन्होंने हैदराबाद से हमें वॉइस ओवर के थ्रू ये सवाल भेजा है। चलिए सुनते हैं क्या पूछती हैं निहारिका जी। मेरा क्वेश्चन रश्मि से है कि क्या आप अपने आप को वीक समझते हो, क्योंकि आप हमेशा घर में सबसे यही कहते हो कि मुझे सेव होना है, आप इस तरह के कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि आपको इम्यूनिटी चाहिए। सो इट मींस आपको खुद के ऊपर और आपको अपने फैंस के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो आपको बचा लेंगे। निहारिका जी का सवाल रश्मि देसाई को है कि क्या वो अपने आप को वीक समझती हैं। तो इसी सवाल पे करते हैं बात कि रश्मि देसाई वीक समझती हैं या नहीं समझती, वो तो रश्मि देसाई बताएंगी, मगर जो दिख रहा है उसमें वो रश्मि देसाई वीक ही दिख रही हैं, क्योंकि रश्मि देसाई को हमने कल परसों के एपिसोड में भी ये बोलते हुए सुना कि हमने जो बाहर झेला है, यानी कि जो पहली बार एविक्ट हुई थी पहले फिनाले के बाद, वो हमें ही पता है, इसलिए हमें दोबारा नॉमिनेशन में मत डालो। और कैप्टन भी नहीं बन पाई वो, इसलिए भी उनके मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ है कि मुझे पता नहीं बाहर निकाल दे, कब निकाल दे। तो मैं यही कहूंगी रश्मि देसाई की गेम को लेके कि ये सब बातों के जगह ये सब सोचे कि मुझे गेम कैसे खेलना है, कैसे मुझे दिखना है और कैसे अपने फैंस के साथ मुझे न्याय करना है। तो निहारिका जी आपका सवाल बहुत अच्छा था और बहुत ही प्यार से आपने भेजा है, अच्छा लगा आपका सवाल। और आगे हम सवाल सुनते हैं, वो सवाल भेजा है शालिनी जी ने पुणे से। तो शालिनी जी क्या कहती है सुनते हैं। सवाल आसिम से है, आसिम जो सिद्धार्थ को इतना प्रवोक कर रहा है कि वो उसके वो हाथ उठाए और घर से बाहर हो जाए, उसके साथ इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या सिद्धार्थ का सना से वापस दोस्ती करना है, या फिर सलमान खान ने जो उसको एक हफ्ता पहले जो उसको अप्रिशिएट किया उसके कारण उसके ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, या फिर शेफाली और हिमांशी का आग लगाया हुआ के कारण है कि शेफाली और हिमांशी ने जो उसको चढ़ा दिया, उसको भड़का दिया, उसके कारण ये सब हो रहा है? तो शालिनी जी ने सीधा सीधा सवाल कर दिया है आसिम को लेके। तो आसिम को लेके आजकल बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं, क्योंकि आसिम और शुक्ला के बीच की लड़ाई जो एक बार पहले हुई थी और तब दोस्ती फिर से हो गई थी और वापिस से लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में सबको, ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि आसिम जो है सिद्धार्थ शुक्ला को प्रवोक कर रहा है। तो यहाँ शालिनी जी ने तीन चीजें बताई हैं कि जिनकी वजह से वो कर सकता है। एक तो सना और इनकी वापस में दोस्ती हुई शुक्ला की, फिर जो अपना सलमान खान ने उनकी प्रेस की है, और फिर साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ये क्या नाम है उसका, शेफाली जरीवाला और हिमांशी खुराना के आने के बाद हुआ है, यानी कि उन लोगों ने आसिम को थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ाया है कि तू भी बहुत सॉलिड है करके, तू भी अपना पॉइंट रख, ये वो सब चीजें बोली हैं, इसलिए वो ऐसा प्रवोक कर रहा है और इनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है कि वो इस तरह से प्रवोक कर रहा है। तो शालिनी जी बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर है बिग बॉस के और बहुत अच्छे से आपने अपना पॉइंट रखा है, बड़े अच्छे से ये सवाल पूछा है, तो थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग सुनते हैं संजीव जैन का सवाल, ये किससे पूछना चाहते हैं सवाल ये जानना बड़ा अच्छा रहेगा। मुझे हिमांशी से पूछना है कि बहन जी आपको कभी देखा नहीं, आप कौन हो?
तो इन्होंने हिमांशी को लेके पूछा है कि हिमांशी को ये जानते नहीं है, इसलिए इन्होंने ये पॉइंट रखा है कि आप हो कौन। और साथ में ये सवाल इनका ये दर्शाता है कि हिमांशी खुराना जो सेलिब्रिटी कैटेगरी में आई है तो उनको लोग जानते नहीं है, और जो भी उनकी जान पहचान है वो खुद अपनी आके बिग बॉस में बना रही है। तो बड़े सही से आपने इस हिमांशी वाले टॉपिक को समझा है संजीव जी, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। अगला जो सवाल है वो पूनम शर्मा का है। पूनम शर्मा जो है दिल्ली से है, वो क्या पूछती है जानते हैं। मैं कॉलर ऑफ द वीक में भाऊ को सवाल पूछूंगी कि वो क्या यहाँ पे सिर्फ लेटने और देखने आए हैं, कुछ करने नहीं आए हैं। तो इनका बड़ा सही हिंदुस्तानी भाव को सवाल है कि ये करने के आए हैं बिग बॉस के घर में, लेटने आए हैं। वाह 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 क्या बात है, क्योंकि अभी यही दिख रहा है जो इन्होंने बोला है कि वो लेटे रहते हैं, और जैसे कितना भी झगड़ा हो उनको बहुत कम हमने उसमें इन्वॉल्व होते हुए देखा है, वो बाहर बैठे सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं, जबकि उनको खुद इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको खुद जाके चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए चाहे जो भी हो, क्योंकि बाकी सब घर वाले तो पूरा कोशिश करते हैं मगर भाव को ऐसा करते नहीं देखा गया, इसीलिए इनका ये सवाल खड़ा हुआ है कि भाव घर में करने क्या आए हैं। थैंक यू सो मच पूनम जी। अगला सवाल स्वीटी का है मुंबई से, वो आसिम से पूछना चाहती है, देखते हैं क्या पूछती है स्वीटी जी। मेरा तो सीधा सवाल आसिम से ही होगा कि आसिम भाई ऐसा दो दिन में तूने क्या खाना खा लिया, ये क्या दवाई पी ली कि जिसने तेरे को बनाया उसी को बिगाड़ने में तुला है। ये पूछ रही है कि क्या खा के आए हैं आसिम, जो इतना ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो इन्होंने बड़े सही से अपना सवाल पोर्ट्रेट किया है। आजकल स्वीटी जी लोग इसीलिए परेशान भी है कि आखिर ऐसा क्या मुद्दा हो गया है घर के अंदर जिस वजह से आसिम इतना भड़के हुए हैं सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर। तो ये सब चीजें स्वीटी जी ने भी जानना चाहिए। तो हमें जो बाहर से दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि गेम को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश जारी है, क्योंकि बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, अब उस बिगड़ी बात में और ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फोटेज ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो ये मुझे लगता है ऐसा है। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो हमने इस वीडियो में यानी कि पहले वीडियो में शामिल किए हैं। आप भी अगर पूछना चाहते हैं कुछ सवाल किसी भी कंटेस्टेंट को लेके, गेम को लेके या फिर बिग बॉस को लेके, तो आप हमें इस नंबर पे अपना ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 1-800-FOUR-9-9-9 भेजिए, और साथ में बताइएगा कि ये सेक्शन आपको कैसा लगा है और आप चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं, तो ढेरों सारे सवाल आप हमें भेजिए और बने रहिए चैनल अंग्रेज स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।